नमस्कार दोस्तों, एमएस क्लास में आप लोग का स्वागत है और तहे दिल से स्वागत। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और सही सलामत होंगे। आज का वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए जो भी स्टूडेंट जो है ला कर चुके हैं, ठीक, ला कर चुके हैं और उनका जो है रजिस्ट्रेशन हो चुका है, तो उनके लिए ही वीडियो है। चाहे वो LLB 3S किए हों या 5S में किए हों, रजिस्ट्रेशन करवा लिए हों प्रेजेंट टाइम में, उनका जो है रजिस्ट्रेशन नंबर आ चुका हो, कार्ड बन करके आ चुका हो, तो उनके लिए वीडियो। क्योंकि आप लोगों को पता होगा AIB का आप लोग जो है 19 का इस बार जो है एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो मैं आज इसमें बताने वाला हूँ सिलेबस के बारे में। मैंने आप लोगों को जो है एक वीडियो के माध्यम से बताया भी था कि जो है आपको सिलेबस के बारे में नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करूँगा और बताऊँगा। करीबन 2-3 वीडियो जो है AIB से रिलेटेड जो है 19 से रिलेटेड जो है अपलोड हो भी चुकी है आप लोगों के, और आप लोगों ने देखा भी होगा, आप लोग उससे जुड़े भी होंगे। तो आज का जो वीडियो है वो सिलेबस से रिलेटेड है और मैं आप लोगों को इसमें और बताऊंगा जो हाईएस्ट वेटेड जो है आप लोगों के जो है सिलेबस में है, जिस सिलेबस से आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर पूछा जाएगा और इतने ही कवर करना है और ज़्यादा जो है आप लोगों को जो है नहीं जाना, ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो आपको ध्यान से और अच्छे तरीके से मेरी हर एक बातों को सही तरीके से सुनना होगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आधा अधूरा जानकारी कभी मत ले, मैं हर बार कहता हूँ, ठीक। तो चलिए अब जानिए जो है, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, अधिक से लोगों के बीच में शेयर भी करिएगा, क्योंकि यहाँ से बहुत कुछ जो है चीज़ें मिलेंगी। प्लस अब जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा तो उसमें इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है उसके बारे में बताऊँगा। इसमें तो मैं आप लोगों को सिलेबस के बारे में कौन कौन से सब्जेक्ट को पढ़ना है, ठीक। देखिए आप लोग जो है सबसे पहले आप लोग जो है देखिए कॉन्स्टिट्यूशन ला, कॉन्स्टिट्यूशन मिले जिसे भारतीय संविधान हम लोग कहते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है आपको पढ़ना है। ये आप लोगों का जो है 10 नंबर का आता है, आपको पहले बता दूं जो टोटल 100 नंबर का होता है पेपर, ठीक। और उसमें से कितने परसेंटेज लाने होते हैं, कितने नंबर लाने होते हैं, आपको पता होगा कि जो है 45 जो है नंबर जो है आप लोग जो है या परसेंटेज का या नंबर का ये जो है OBC एंड जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट को, और 40-40 नंबर जो है आप लोग जो है SC और ST कैटेगरी के लोगों को लाना है, पास आउट होना है। नॉर्मल था बात है इसमें कि आपको पास आउट सिर्फ होना है, और ये आप लोग क्लियर कर लिए तो आप लोग जो है ऑल इंडिया पूरे भारत में कहीं भी एडवोकेसी कर सकते हैं, कहीं भी केस फाइल कर सकते हैं, कहीं भी केस जो है आप लोग लड़ सकते हैं, ठीक। चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, कोई भी हाई कोर्ट हो पूरे प्रदेश में, मतलब पूरे देश में, ठीक। तो इसलिए जो है इम्पॉर्टेंट है। तो ये आप लोग का पहला सिलेबस आप लोग का जो है आप लोग को पढ़ना कॉन्स्टिट्यूशन लाइन, ये आप लोग के जो है 10 नंबर के आएंगे। इसमें से क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो है CRPC जिसे हम लोग कहते हैं, ये भी 10 नंबर के आएंगे। अब ये जो इसके दर पे जो है आप लोगों को जो है बदल चुका है, नए जो है आपके लॉ पढ़ने हैं, ठीक। जो आप लोगों का जो है पता होगा कि जो है BNNS करके जो है हो गया है, वो आप लोगों का जो है इम्पॉर्टेंट है, जो भारतीय जो है आप लोगों का जो है आ गया है, भारत का कानून आ चुका है, तो सिर्फ वो बदलेगा। सारे सेक्शन धारे थोड़ा बहुत जो आप लोग न्यू बेयर एक्ट लिए हैं ले लीजिए, अगर नहीं लिए हैं तो उसमें से पढ़िएगा, बाकी नंबर जो बेटर जो रहेंगे इतने ही नंबर के आएंगे, ठीक। सिर्फ सिलेबस का नाम बदलेगा, टॉपिक बदलेगा। और ये देखिए आप लोग जो है जैसे हम CPC कहते हैं कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, इसमें भी 10 नंबर, तो इसमें भी आप लोगों का जो है 10 नंबर से पूछे जाएंगे CPC में भी। अब इसके बाद अगला है आप लोगों का जो है इंडियन पैनल कोड जिसे हम IPC कहते हैं, इसमें 8 नंबर का आप लोगों का जो है आएगा। और ये IPC है जो आप लोगों का जो है BNS करके जो है 2023 का कानून बन चुका है और ये नए लॉ बन चुके हैं। अब सिर्फ जो है आप लोगों का नाम जो है इधर से उधर जो है चेंज होगा और कुछ जो टॉपिक होंगे, जो सेक्शंस होंगे वो चेंज होंगे, बाकी जो उसके अंदर के पार्ट होते हैं सब सारे प्रोसीजर वैसे ही, थोड़ा बहुत जो है चेंजिंग आएगी। तो न्यू बेयर एक्ट ले लीजिएगा सिर्फ, लेकिन बेटे जो आप लोगों के जो क्वेश्चन के हैं आप लोगों के जो है जो नंबर की इतने ही नंबर आएंगे, ठीक। और देखिए आप लोग का जो है नेक्स्ट, आप लोग अब नेक्स्ट देखिए आप लोग का जो है प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है स्पेसिफिकली प्रॉपर्टी लॉ, इन सभी से मिला करके जो है 8 नंबर का आप लोगों का जो है इसमें भी जो है बेनिफिट होगा, 8 नंबर का आएगा, ठीक। इसके बाद फैमिली लॉ हुआ, फैमिली लॉ भी जो 8 नंबर का आएगा, एविडेंस हुआ 8 नंबर का आएगा, ठीक। इसके बाद आप लोग का लॉ ऑफ टॉर्ट है, इसमें भी मोटर व्हीकल एक्ट जो है करके जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ भी इसमें से रिलेटेड जो है आप लोग का जो है 5 नंबर का जो है इसमें से पूछा जाएगा, ठीक। 5 नंबर का लेबर लॉ एंड जो है इंडस्ट्रियल लॉ करके जो है आप लोगों का ये 4 नंबर का, अल्टरनेटिव ADR जिसे हम लोग कहते हैं ये 4 नंबर का आप लोगों का आएगा, ठीक। और नेक्स्ट आप लोग का लॉ रिलेटेड टैक्सेशन से 4 नंबर का आएगा, पब्लिक इंटरेस्ट जो है लिटिगेशन जिसे हम PIL कहते हैं ये 4 नंबर का आएगा, और प्रोफेशनल इथिक्स आप एंड केसेस ऑफ प्रोफेशनल जो है आप लोग का जो है माइक्रो जो है डाउट अंडर CBCI रूल ये जो है आप लोग का 4 नंबर का आएगा। तो यही आप लोगों का जो है इसमें सिलेबस। इसके बाद आगे देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ 3 नंबर का, कंपनी लॉ 2 नंबर का, इन्वायरमेंटल लॉ 2 नंबर का इसमें आएगा, साइबर लॉ 2 नंबर का, लॉ जो है
आप लोग का जो है एक्यूटेशन का एक्ट जो है दो नंबर का, इसके बाद जो अब नेक्स्ट आप लोग का जो है प्रॉपर्टी लॉ से रिलेटेड है ये दो नंबर का आएगा। ठीक, टोटल 100 नंबर के आप लोगों को जो है दिया जाएगा। टोटल आप लोग को मैंने आप लोग को पहले ही बता दिया, और कितने क्वेश्चन का ट्राई करके आना है, कितना नंबर लाना है वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। कितना जो आपको लाना ही मिनिमम लाना ही, उससे आगे आप कितना भी ला सकते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक, ये चीज़ था। अब जानिए आप लोग जो है वेटेज किस में है, जिसमें आप लोग को जो जो सब्जेक्ट आपको जो है पकड़ में रखना है कि आप अच्छे तरीके से बढ़िया तरीके से सम्मानजनक स्कोर जो है क्वालिफाई करने के लिए पा सकते हैं। ठीक, देखिए वेटेज, देखिए आई बी 19 के लिए सिलेबस 2024 जो है हाईएस्ट वेटेज जो है टॉपिक्स, ये देखिए जो सिलेबस है, जिसमें आप लोग का जो है पहला जो है CRPC, जिसे हम लोग जो है आपको पता होगा नया कानून है, आपको पहले मैंने बता दिया है। इसमें से ये आपको पढ़ना, ये सिलेबस आपको कंप्लीट करना है, सेक्शन धारा जो भी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगा भी कैसे इसमें तैयारी करना है, कैसे आपको जो है कौन कौन से सब्जेक्ट को किस हिसाब से पढ़ना है। ठीक, नेक्स्ट आप लोग का जो वीडियो आता रहेगा, परेशान ना हो। कॉन्स्टिट्यूशन ला बेटेड हाईएस्ट बेटेड आप लोग का जो 10 नंबर का पूछा जाता है, इंडियन पेनल कोड ये भी आप लोग का 10 नंबर का पूछा जाता है। देखिए कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, ये भी जो आप CPC 10 नंबर का ला आप कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिक रिलीफ ऑफ प्रॉपर्टी ला, ये भी आप लोगों का जो है जो कि आप लोग का जो है उसमें है, बढ़िया है। फैमिली ला और एविडेंस एक्ट, ठीक, एविडेंस एक्ट भी जो है बदला हुआ है आपकी बार, और जो कि आपको पता होगा कि जो है हो गया है, आप लोगों का जो है न्यू एक्ट बन गया है, इसमें भी जो है वो उससे पूछा जाएगा, उसका भी जो है आप लोग जो है जितने क्रिमिनल जो है प्रोसीजर है तीन जो ला है वो बदल करके जो है रिप्लेस करके जो है 2023 का जो है नया कानून बना हुआ है, तो नए बेर एक्ट ले लीजिएगा, नए से पढ़िएगा, नए से ही पूछा जाएगा। ठीक, तो ये हुआ आप लोगों का जो है, तो ये हाईएस्ट बेस्टेड जो है आप लोग का सिलेबस है, इससे जो है आप लोग जो है पढ़िएगा, यही जो है आप लोग जो है सिलेबस में जो है सारी चीज़ें जो है इन्हीं पर तैयार कर लीजिए। आप लोग का जो है मान लीजिए जो है 60+ नंबर जो है आप लोगों का जो है क्वालिफाई से ऊपर ही पा जाएंगे। ठीक, मिनिमम 60 तो टारगेट रखेंगे, इतना पढ़ करके तो 50 तो आ ही जाएगा। ठीक, तो पास हो जाएंगे आप लोग जो है एकदम सिंपल वे में। ठीक, सिर्फ पास होना है, इसमें तो है नहीं कि इतना परसेंट इतना परसेंट जो है आप लोग को लाना, कुछ नहीं, सिर्फ पास आउट से मतलब है। यही सब सारी चीज़ें थी, बाकी आपको और कोई जानकारी चाहिएगा तो मैं आप लोगों को आगे करके जो है बताता रहूँगा। बाकी आप लोगों से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ भी सकते हैं। ठीक, थैंक यू, टाटा, टेक केयर, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। अच्छे से तैयारी करिए, बढ़िया से करिए, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम कोई गाइडेंस में रिलेटेड हो तो आप लोग मुझसे जरूर कन्फर्म करें 7985535991 पर। ठीक, थैंक यू।